तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, आप इसका जितना भी नीचे जाएंगे इसमें एक लंबी तेजी नजर आएगी आपको और ये लगातार तेजी ऊपर 90 डिग्री की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आप इसके चार्ट पर जितना भी पीछे जाएंगे आपको हमेशा ही एक बेहतरीन तेजी नजर आएगी इस स्टॉक में। ये दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक लिस्ट में आती है ये कंपनी और इन दिनों इसके वॉल्यूम में भी जंप नजर आ रहा है। तो दोस्तों वैसे तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या करना है वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। 10,929 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप 98,898 करोड़। स्टॉक भी 108 का है, थोड़ा ज्यादा हाई हो चुका है। बाकी ROC 32.5% एंड ROE 30.9% का है। एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,453 रुपए का लो था और 11,349 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो सोलर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है इन बल्क कैटरेज एक्सप्लोजिव्स, डिटोनेटिंग कॉर्ड्स एंड कंपोनेंट्स व्हिच फाइंड एप्लीकेशन इन द माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। यानी कि दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव्स, डिलीवरी सिस्टम्स, एमुनिशन फिलिंग एंड पायरोज फ्यूजेस फॉर द डिफेंस सेक्टर। यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए एनर्जी एक्सप्लोजिव्स आदि का निर्माण करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे क्या गजब की 60 डिग्री की तेजी नजर आ रही है इसमें। अच्छी बात है दोस्तों ये स्टॉक गिरता कम है और बढ़ता ज्यादा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, पिछले 5 सालों का इसका जो CAGR है वो 28.2% कर रहा है और ROE भी पिछले 3 सालों में 30% की ज्यादा की रेट से बढ़ा है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 30 टाइम्स वो कोयलों पर ट्रेड कर रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में ये केमिकल्स का निर्माण करती है। दोस्तों इसमें इस कंपनी की मोनोपोली है, आप देख ही पा रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज एक मोनोपोली बिजनेस है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 791 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1317 करोड़, मार्च 2023 में 1929 करोड़ और मार्च 2024 में 1611 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2021 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 175 करोड़, मार्च 2023 में 221 करोड़ और मार्च 2024 में 243 करोड़ का प्रॉफिट रहा। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1053 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1580 करोड़, मार्च 2021 में 2516 करोड़ और मार्च 2024 में 6070 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 136 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 195 करोड़, मार्च 2021 में 288 करोड़ और मार्च 2024 में 875 करोड़ का बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट भी रहा है। यानी कि इसका चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे सेल्स ग्रोथ हो हर साल लगातार ऊपर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में 39% की रेट से, पिछले 5 सालों में 56% की रेट से, पिछले 3 सालों में 90% की रेट से और पिछले 1 साल में 196% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि दोस्तों ये इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में बहुत ही बंपर रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 372 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 501 करोड़, मार्च 2021 में 808 करोड़ और मार्च 2024 में 1138 करोड़ का टोटल लोन है, जिसकी तुलना में अगर टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 1108 करोड़, मार्च 2017 में 1722 करोड़, मार्च 2021 में 2959 करोड़ और मार्च 2024 में 5577 करोड़ है। की तुलना में जो ये लोन है ये ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम, तो देखा जाए तो ये लोन भी मैनेजेबल है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की सुधारी जहां जून 2021 में 73.15% थी, मार्च 2024 में भी 73.15% ही है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। FIH की होल्डिंग 5.53% से बढ़कर 6.10% हो गई है। DIH की होल्डिंग 16.66% से घटकर 14.52% एंड पब्लिक की होल्डिंग 4.67% से बढ़कर 6.22% हो गई है। तो अगर हम कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में स्टेबल है
रिटेल्स की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा है और बढ़ भी रही है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदर इनकम एक ठीक है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, डिप्रिसिएशन का उतना कोई खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। बाकी हाँ, डिप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ा है प्रॉफिट्स पर। शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में काफी अच्छी अर्निंग आई है, इसलिए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ भी इनकी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है, आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग होती जा रही है और आरओई पिछले 10 सालों से न्यूट्रल है। तो सोलर इंडस्ट्रीज की अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो बल्क एक्सप्लोजिव के सेगमेंट में 28% का मार्केट है, एक्सप्लोजिव एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया मोर देन 70%। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है एक्सप्लोजिव मोर देन 80% एंड इनिशिएटिंग सिस्टम 19.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 57% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। इसके कस्टमर वाइज ब्रेकअप करें तो हाउसिंग एंड इंफ्रा में हो गया 19%, एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज अराउंड 37%, नॉन सीआईएल एंड इंस्टीट्यूशनल 16%, कोल इंडिया 15%, डिफेंस 12% एंड 1% अदर्स। एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में इनका 77% से ज्यादा का एसेट है, बाकी का 22.6% आउटसाइड इंडिया है। ऑर्डर बुक का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो अराउंड 62% फॉर इंडिया एंड 38% डिफेंस सेक्टर से इनको ऑर्डर आता है। इसके कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका कोल इंडिया हो गया, डिफेंस सेक्टर हुआ, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हमने पहले भी इस चार्ट की चर्चा करी है, अभी फिर से बता देता हूँ, इसका चार्ट आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है। तो यहां से निकलने के बाद इसका जो पहला टारगेट नजर आ रहा है वो 13,000 का लेवल सामने है, वहां भी अगर ये प्राइस सिस्टम बना के ऊपर बढ़ता है तो जल्दी ये 15,500 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो वैसे दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छी है, सोलर इंडस्ट्री मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है, वो आपका पर्सनल हो सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।